सिलेंडर के अंदर 600 PSI के प्रेशर पर एक इंजेक्टर को कितनी फोर्स से फ्यूल को फेंकना होगा ताकि वो सभी दिशाओं में बराबर फैल सके। आइए समझते हैं ऑटोमाइजर के अंदर काम करने वाले छोटे छोटे उपकरणों के बारे में, और जिन्हें समझ में नहीं आ रहा है कि किस बारे में बातचीत चल रही है तो वो पिछला भाग पिन कमेंट्स में जाकर देख सकते हैं। इसमें तीन मेन कंपोनेंट होते हैं, पहला पंप, दूसरा इंजेक्शन वाल्व और तीसरा इंजेक्शन नोजल। इंजेक्शन पंप में पिस्टन की सहायता से फ्यूल को दबाकर 20,000 PSI का प्रेशर बनाया जाता है। ये प्रेशर इंजेक्टर वाल्व को खोल देता है और उसके बाद इंजेक्टर नोजल में मौजूद छोटे छोटे छेदों से फ्यूल बाहर निकलकर सिलेंडर के हर कोने में फैल जाता है। क्या आप इंजेक्टर नोजल से निकलने वाले फ्यूल की गति के बारे में बता सकते हैं? रुको, मैं ही बता देता हूँ। सिर्फ 1225 किलोमीटर प्रति घंटा। कितना तेज होगा ये अभी बता देता हूँ। दुनिया की सबसे तेज कार हेनी से वेनम GT की रफ्तार मात्र 425 किलोमीटर प्रति घंटा है। बाकी अंदाजा आप खुद ही लगा लो। एटोमाइजर इंजन सिलेंडर के अंदर फ्यूल की टाइमिंग को भी मैनेज करता है। अब सवाल आता है कैसे? ये काम करता है इस लीवर की सहायता से, इस गियर को एडजस्ट करके। अच्छा, तो इसके घूमने से ऐसा हुआ क्या? देखो, इसके घूमने से इंजेक्टर नोजल के ऊपर लगा प्लंजर घूमने लगा, जिसके घूमने से प्लंजर के द्वारा स्ट्रोक की टाइमिंग एडजस्ट होती है। बस ऑटोमाइजर में इतना ही। अब आपके लिए सवाल, डीजल इंजन के लिए सबसे अच्छा एयर फ्यूल रेशो क्या माना गया है?